एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। बीते लंबे समय से सुष्मिता डेट कर रही हैं मॉडल रोहमन शॉल को। ऐसे में देखा जाए तो अक्सर एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं रोहमन और सुष्मिता। वहीं फैंस इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब प्यारा सा कपल शादी के बंधन में बनेगा। सो फाइनली रोहमन ने हाल ही में सुष्मिता के साथ शादी को लेकर अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बातचीत की है। आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बीते कई सालों से ये प्यारा सा कपल एक दूसरे को डेट कर रहा है। सुष्मिता सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली फोटो शेयर करती हुई नजर आती हैं। तो वहीं सुष्मिता सेन के साथ शादी को लेकर रोहमन ने कई सारी बातें शेयर की हैं, उनके साथ रिश्ते को लेकर भी। दरअसल रोहमन शॉल ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया है कि सुष्मिता और उनकी बेटियां और मैं फिलहाल एक परिवार की तरह हैं। मुझे कई बार एहसास होता है कि मैं उनका पिता हूँ। कई बार मैं सुष्मिता की बेटियों का दोस्त बन जाता हूँ। कई बार हमारे झगड़े भी होते हैं। वहीं सुष्मिता से मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मैंने लाइफ को गंभीरता से लेना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, रोहमन से जब पूछा गया शादी को लेकर सवाल, तो रोहमन शॉल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह अगर ऐसा करेंगे तो छिपाएंगे नहीं। जब भी सुष्मिता से वह शादी करेंगे, जब भी सुष्मिता और वो शादी करेंगे तो किसी से छुपाएंगे नहीं। रोहमन के मुताबिक सामने आया है कि वह पहले एक स्टार बनना चाहते थे, लेकिन सुष्मिता के आने के बाद मुझे पता चला कि स्टार बनने के लिए मेहनत करनी होती है। जब मैंने सुष्मिता को डेट करना शुरू किया तो इसके बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था और ये बात उनके परिवार को पता चली थी मीडिया के जरिए। इतना ही नहीं, रोहमन के मुताबिक ये भी सामने आया है कि मैं और सुष्मिता अपने रिश्ते को पब्लिक करने से पहले पूरी तरह से आश्वासित होना चाहते थे। मैंने किसी को भी नहीं बताया जब तक हम दोनों इसके लिए तैयार हुए। मेरे परिवार से हमारे सभी डिसीजन को सपोर्ट किया गया है और मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। वेल, इस तरह से अपने इंटरव्यू में रोहमन ने तमाम बातें शेयर की सुष्मिता के साथ रिश्ते को लेकर। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।